मध्य प्रदेश में एक बार फिर बढ़े घरेलू गैस के दाम। 25 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, 865 रुपए की बजाय चुकाने होंगे 890 रुपए। प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने की गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग। उपचुनाव से पहले आदिवासियों को साधने में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। 6 सितंबर को बड़वानी में कांग्रेस की आदिवासी अधिकार यात्रा। एमपी में फिर खुले स्कूल, कक्षा 6 से 8वीं की कक्षाएं 18 महीने बाद शुरू। कोरोना के डर से स्कूल नहीं पहुंच रहे बच्चे। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बिजली का संकट। सीएम शिवराज बोले, नर्मदा पर बंधे बांध में पानी खाली, बिजली बनना बंद। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। प्रदेश में फिर एक बार घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई। इस बार 25 रुपए गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, जिसके कारण राजधानी भोपाल में एक सिलेंडर की कीमत 865 से बढ़कर 890 रुपए हो गई है। वहीं प्रदेश के बड़े शहरों में 940 रुपए तक गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिन के भीतर दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ अब रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही 25 रुपए की बढ़ोतरी का विरोध किया और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और रोशनपुरा चौराहे पर सरकार का पुतला दहन किया गया। उमरिया जिले में सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। टीवीसीएल कंपनी करीब 3 साल से सड़क का निर्माण कार्य कर रही है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। नौरोजाबाद रेलवे के सामने अधूरे पड़े सड़क निर्माण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क का निर्माण करने की मांग की है। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कोई मुआवजा को लेकर शायद है या कोई इलेक्ट्रिक पोल है या जो भी है, उसके कारण ये पाई, लेकिन ये बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, इलेक्ट्रिक का कोई वो मापदंड नहीं आया, ना कोई मुआवजे का मापदंड आया। मैं इस बात को लेकर कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाऊंगा और तत्काल इस सड़क को बनवाने के लिए मैं बोलूँगा कि तत्काल सड़क बन जाए, ताकि जो घटनाएँ हो रही हैं। अरे बहुत एक्सीडेंट होते हैं भैया, बहुत एक्सीडेंट होते हैं और सिर्फ रोड विभाग के चलते ही होते हैं। ये वो खुद नहीं बनाना चाहती है, गैप कर करके बनाती है, अधूरा काम करके बनाती है। कम से कम 60 से 70 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 3 मौत हो चुकी है। रतलाम के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया है। बताया जा रहा है कि फोरलेन निर्माण के लिए अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं कई लोगों ने स्वयं ही अपने अतिक्रमण और गुमटियों को हटा लिया। साथ ही इस दौरान मौके पर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। रतलाम शहर के 2 बत्ती में एयर कंडीशनर का तकनीशियन होटल की 3री मंजिल से सड़क पर आ गिरा। हादसे में तकनीशियन गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक अचानक संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। तो वहाँ पर ऊपर 3री से गिरे। अच्छा, 3री काई पे चढ़े हुए थे, काई से ऐसे बोल रहे थे, बाहर गैलरी पे। अच्छा, तो वहाँ से गिरे। अच्छा, क्या साधन वादन चढ़ने का क्या था? कुछ साधन वादन कुछ भी नहीं था, गैलरी लगी थी, खिड़की में से गैलरी पे आया था। अच्छा, कौन लेके आया इसको यहाँ पे? अस्पताल में हम ही लेके आए, साथ वाली।
अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग की। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी यातनाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। संगठन है वो हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा 70,000 कर्मचारियों अधिकारियों से मिला हुआ हमारा संगठन है और हम पूरी तरीके से हमारे जो प्रांतीय संयोजक भाई दिनेश शर्मा जी, हमारे जो सह संयोजक भाई रोशन सिंह परमार जी और हमारे जो संगठक जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग आपस में एक होकर के और निश्चित तौर पे शासन से ये मांग करेंगे कि हमें जो आपने आश्वासन दिया था, हमारी हड़ताल स्थगित की थी और उस पर आप तत्काल कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स के लिए पत्र जारी करवा करके हम लोगों को, चूंकि आपने आश्वासन दे करके हड़ताल स्थगित की थी और हम लोगों को कहीं ना कहीं जो हमारे साथी हैं उनको, जो हमारे लोग हमारे भाई बहन हैं उनका कहीं ना कहीं निष्कासन समाप्त हो और वो शासन के जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास की धुरी है उस विकास में कहीं ना कहीं सहायक बन सके। 3 सितंबर तक लास्ट आपकी डेडलाइन है, अगर 3 तारीख तक आपकी मांग नहीं मानी जाती तो क्या नेक्स्ट कदम? फिल्म अभिनेता शरद सिंह 3 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्म फैक्ट्री में किरदार निभाते नजर आएंगे। उन्होंने राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म उनके लिए अलग अनुभव लेकर आ रही है। 18 सालों के बॉलीवुड करियर में यह पहली बार है जब वो इस तरह की फिल्म लेकर आए हैं। एक बहुत अच्छी मूवी है जो लॉकडाउन के बाद एक नई स्टोरी, एक नई चीज सामने आ रही है। इसमें कॉमेडी है, ये पूरा सस्पेंस ड्रामा है, पूरा कॉमेडी भी आपको मिलेगी, सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे। एक सॉन्ग तो इसका अभी हिट कर गया है मुंबई में, ड्राइडे और फ्राइडे माला दरो पाई दे, आप लोग सुनिएगा ज़रूर। और 3 तारीख को फिल्म रिलीज़ होना है ऑल इंडिया अभी। और इस फैक्ट्री में जो मेरा कैरेक्टर है, मेरी लाइफ का सबसे अहम और जो मैं सोचता था वैसा मुझे कैरेक्टर मिला है। इसमें भल्ला का मेरा कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है मेरा, और बाकी की मैंने तो मेरी तरफ से पूरी 100% कोशिश की है, बाकी फिर आप और देश की जनता है कि मुझे कितना अपना आशीर्वाद। नीमच में एक आदिवासी युवक की हत्या के मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। इससे पहले भी कांग्रेस इस मामले में एक कमेटी बनाकर नीमच का दौरा कर चुकी है। वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था और घटना को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और प्रदर्शन किया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी पुतला फूंका गया। इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। इस दौरान जानकारी के मुताबिक झड़प भी देखने को मिली, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सिरोंज में बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, जिसको लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने विदिशा कलेक्टर के नाम तहसीलदार अलका सिंह को ज्ञापन भी सौंपा और सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की। अलका सिंह ने कहा कि पटवारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से सर्वे नहीं हो पाया, जिस कारण से इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही है। उमरिया जिले के नरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के स्टॉपेज की मांग तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक शिव नारायण सिंह ने भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं के साथ स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा और स्टॉपेज की मांग की है। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जिनका कटनी से, जबलपुर से, बिलासपुर से आवागमन था, ऐसे गंभीर हमारे क्षेत्र के मरीज थे जो नागपुर, जबलपुर, अन्य अस्पतालों का भी इन्हें छोटे छोटे ट्रेनों के माध्यम से आना जाना करते थे, लेकिन इस कोरोना काल में ट्रेन बंद होने के कारण छोटे छोटे हमारे व्यापारी भाई और अन्य नागरिकगण भी इस ट्रेनों के न रुकने के कारण काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उनको व्यापार करने में दिक्कत हो रही है। कलेक्टर साहब को या अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को ये मांग की जा रही ट्रेनों को रोका जाए, जब तक कि आवागमन पुनः चालू हो सके और जिंदगी पुनः अपने पटरी पर दौड़े। इसी तो आज हम सब रेल मास्टर साहब को आज हमने ज्ञापन सौंपा है।
गुना में भी कोरोना टीकाकरण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि जिले में 135 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की जा रही है, साथ ही केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के तहत आज मंगलवार को जिले में गर्भवती महिलाओं एवं सामान्य जनों का टीकाकरण किया गया। सामान्य जनों का टीकाकरण जिले में 135 केंद्रों पर कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज लगाया गया। नगर में मानस भवन, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, रोटरी क्लब, बूढ़े बालाजी, कैंट यूपीसी एवं कुसमोदा में लगाए गए। तो ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगह कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड का टीकाकरण किया गया। मैं सभी जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि आप सभी अपनी बारी आने पर दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।